ये राजनीति नहीं समझते, अर्थशास्त्र नहीं समझते और दुनिया की साजिशों के साथ खड़े दिखते हैं। प्रधानमंत्री ने तो शुरुआत ही की थी, वो जब जब विदेश गए उन्होंने अटैक किया हिंदुस्तान को। केवल क्षमा मांग लेने से क्या राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है उसका प्रभाव या वो जो अपराध है वो खत्म हो जाएगा? चुनाव अगर महंगाई और बेरोजगारी में जीते हारे जाते तो इक्का दुक्का उदाहरण छोड़कर तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती। आप तमाम विपक्ष की जो नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो, हर जगह आपने ईडी, सीबीआई इनको पीछे लगा दिया है। किसी को भी भारत के बारे में बाहर जाकर अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है अघोषित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। खबरों के खिलाड़ी रात 9 बजे और सुबह 9 बजे सिर्फ अमर उजाला.com पर।